वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रंजना और आप देख रहे हैं रंजना और सो गाइज, वीडियो शुरू करें उससे पहले थैंक यू सो मच गाइज मुझे इतना ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए। आप सभी लोग इतना ज्यादा रिस्पांस देते हैं मेरी वीडियो को। प्लीज गाइज, जो लोग मेरी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे दूसरों की भी हेल्प हो सकती है तो प्लीज 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 मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए एंड मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर किया कीजिए। सो गाइज, वैसे तो आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, प्यारे हैं, मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं, बट अगर आप मेरे चैनल पे आज न्यू हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइज प्लीज 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 हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। नाउ गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्दियों में होने वाली प्रॉब्लम पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्लीनअप प्रोसेस मैंने बनाया है। गाइज, वैसे हम जब भी क्लीनअप कराते हैं हमारा चेहरा बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है, जिससे हमें पिंपल्स नहीं आते, क्योंकि ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड पे ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। साथ ही साथ गाइज, हमारी स्किन में ना एक चमक भी आ जाती है। अब सर्दियों में गाइज हम बहुत अच्छे से अपने चेहरे का क्लीनअप नहीं कर पाते हैं या बाहर जाने में हमें बहुत ज्यादा ठंडे में हम अवॉइड करते हैं। सो अगर आपकी स्किन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है या प्रॉब्लम आ गई है सर्दियों की वजह से, सो आज मैं बताने जा रही हूँ क्लीनअप प्रोसेस, मेरे साथ आप भी शुरू कीजिए। बहुत ही नॉर्मल मीन्स घर के इंग्रेडिएंट्स से मैं ये क्लीनअप बता रही हूँ। सो चलिए गाइज, फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि इस क्लीनअप प्रोसेस को कैसे करना है। सो गाइज, क्लीनअप के इस प्रोसेस में सबसे पहले हम करेंगे अपने चेहरे का बहुत अच्छे से क्लींजिंग। अब क्लींजिंग के लिए गाइज आपको चाहिए 1 से 1.5 चम्मच बेसन और उसके साथ साथ आपको चाहिए होगा रॉ मिल्क। गाइज याद रखिए, मिल्क जो होना चाहिए वो रॉ मिल्क होना चाहिए। अगर रॉ मिल्क नहीं है, इन दैट केस आप यूज कीजिए फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध। अभी सर्दियां चल रही हैं तो नॉर्मल दूध आप यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों को गाइज आपको मिला के बनाना है एक अच्छा सा पेस्ट और इस पेस्ट को आपको अपने चेहरे पर लगाना है। 3 to 5 मिनट आपको अपने चेहरे पर ऐसे ही छोड़ देना है। देन गाइज सर्कुलर मोशन में आपको करना है, जैसे आप अपना चेहरा वॉश करते हैं फेस वॉश से, जस्ट लाइक दैट आपको अपने चेहरे पर स्वीट 60 सेकेंड आप कह सकते हैं, 1 मिनट तक आपको अपने पूरे चेहरे पर जस्ट लाइक फेस वॉश इसको यूज करना है एंड वॉटर से आपको जस्ट इसको क्लीन अप करना है। सो गाइज, यहाँ पर हमारा क्लींजिंग का पहला प्रोसेस हो जाता है खत्म। अब स्टेप नंबर 1 खत्म होने के बाद गाइज आपको करना है स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में गाइज हम करेंगे अपने चेहरे पर बहुत अच्छे से स्क्रब। अब गाइज अगर आप चाहें तो थोड़ा सा स्टीम भी ले सकते हैं और स्टीम लेने के बाद गाइज आपकी स्किन जो होती है, जो भी पैची होगी, अनइवन वाली चीज जो होगी, फ्लेकी वाली जो चीज होगी, वो यहाँ पे थोड़ी सी ढीली पड़ेगी और जब आप स्क्रब करेंगे तो वो स्क्रबिंग में उतर जाएगी। सो आप चाहें तो इस स्टेप से पहले बहुत हल्का सा स्टीमिंग भी ले सकते हैं। नाउ गाइज लेट्स चेक कि आपको स्क्रबिंग के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो गाइज आपको स्क्रबिंग के लिए चाहिए कॉफी, कॉफी के साथ साथ गाइज आपको चाहिए 1.5 चम्मच लगभग चीनी। अब इन दोनों को मिला के आपको बनाना है एक अच्छा सा पेस्ट। यहाँ पे गाइज इस पेस्ट को बनाने के लिए आप प्लेन वाटर भी यूज कर सकते हैं या आप यूज कर लीजिए गाइज गुलाब जल। गुलाब जल भी आपकी स्किन को टाइटन बनाने में बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब इन तीनों चीजों को मिलाकर आपको बनाना है एक बहुत अच्छा सा स्क्रब और इस स्क्रब में क्योंकि गाइज सर्दियां चल रही हैं तो आप अपना कोई भी फेवरेट ऑयल डाल सकते हैं। मुझे 2 ऑयल बहुत ज्यादा पसंद है, स्पेशली नारियल तेल और जॉनसन्स बेबी ऑयल। इसमें गाइज इस स्क्रब को बिल्कुल मार्केट वाली फीलिंग देने के लिए मैं 2 to 3 ड्रॉप्स, ज्यादा नहीं डालना है गाइज आपको, बहुत ही हल्का सा ही डालना है और इसमें डाल के आपको अपने चेहरे पे बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। और अप्लाई करते हुए गाइज आपको स्क्रबिंग मोशन में मीन्स अपने फिंगर से सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए बहुत अच्छे से अपने चेहरे को करना है स्क्रब। अब गाइज स्क्रब करते समय आपको अपनी स्किन पे बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है, नहीं तो गाइज ये हो सकता है आपके ब्लैक हेड्स को बहुत ज्यादा एक्टिव कर दे या व्हाइट हेड को बहुत ज्यादा एक्टिव कर दे और आपको इस फेशियल के बाद पिंपल्स आ जाए। तो गाइज ऐसा नहीं होता है कि कोई भी होममेड रेमेडी आपको क्रॉस कह लीजिए या रिएक्शन नहीं करती है, करती है गाइज। सो हो सकता है आप अच्छे के लिए करें और आपकी स्किन में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ जाएं, तो इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बहुत ही जेंटल मोशन में आपको अपने चेहरे पर करना है स्क्रब। सो गाइज अब यहाँ पर हम बहुत अच्छे से स्क्रबिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और क्लीन अप का, यहाँ स्क्रबिंग का प्रोसेस हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं गाइज क्लीन अप के 3rd फेज में, जिसमें हम प्रिपेयर करने वाले हैं गाइज एक बहुत अच्छा सा फेस पैक। सो चलिए देखते हैं कि फेस पैक को कैसे बनाना है। तो गाइज क्लीन अप के 3rd फेज के इस ब्यूटीफुल फेस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए बेसन,
एक से डेढ़ चम्मच गाइस दही, इसके साथ साथ बहुत जरा सा एलोवेरा जेल एंड एक चम्मच गाइस शहद, और इस पेस्ट को बनाने के लिए गाइस आप यूज कर लीजिए गुलाब जल। ये इन सभी को मिला के आपको बनाना है गाइस एक थिक पेस्ट। याद रखिए इसको आपको बहुत ज्यादा लिक्विडी नहीं रखना है, आपको अगर ये रनी रहेगा तो आपके चेहरे पर टिकेगा नहीं और ये अच्छी सी गुडनेस नहीं दे पाएगा आपके फेस पे। तो गाइस इसका थिक पेस्ट बनाना है और इस फेस पैक को बहुत अच्छे से आपको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। अच्छा वन मोर थिंग गाइस, जब भी आपको अपने चेहरे पर कोई भी फेस पैक या कोई भी प्रोसेस करना हो, कोई भी ट्रीटमेंट करना हो, मेक श्योर कि आप अपना चेहरा पहले से ही क्लीन रखिए, मीन्स फेस वॉश आपका होना चाहिए, उसके बाद ही आप गाइस अपने चेहरे पर कोई भी प्रोसेस स्टार्ट कर कीजिए। सो अब करते हैं गाइस इस फेस पैक को 25 मिनट तक रखने का वेट, मीन्स 25 मिनट के बाद ही आपको इस फेस पैक को अपने चेहरे से हटाना है और उसके बाद ही आप देखेंगे इस पूरे क्लीनअप प्रोसेस का मैजिकल रिजल्ट। आपका पूरा चेहरा गाइस बहुत अच्छे से एक ग्लो आ जाता है आपके चेहरे पे, बहुत ज्यादा टोन्ड दिखता है आपका चेहरा। सो गाइस हम 25 मिनट के बाद अपना चेहरा आप क्लीन करते हैं वाटर से, देन आपको मैं मिलती हूँ रिजल्ट के साथ। नाउ गाइस हियर इज अ ब्यूटीफुल रिजल्ट ऑफ दिस क्लीनअप प्रोसेस। बहुत अच्छे से डीप क्लीन हो चुका है हमारा चेहरा यहाँ पे गाइस, बहुत ही ज्यादा नरिश्ड और मॉइस्चराइज भी लग रहा है, थोड़ा सा पॉलिश्ड लग रहा है। सो गाइस ये था इस क्लीनअप प्रोसेस का रिजल्ट। आई होप कि गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आप इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा, इसका रिजल्ट भी मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही गाइस शॉर्ट कह लीजिए या ये कह लीजिए गाइस बहुत ही कम और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से एक मैजिकल क्लीनअप प्रोसेस मैंने आपको बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड गाइस आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, दूसरों की भी हेल्प होगी। नाउ गाइस अब मैं रंजना करती हूँ साइन ऑफ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, love you guys. Bye bye.